पांच प्रत्याशी जो है वो बदल सकती है। तो क्या लगता है सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर का नाम पूरी सुर्खियों पे है कि बदला जाएगा, उनकी जगह पे बलकौर सिंह या सुनीता दुग्गल के आने की संभावनाएं चल रही हैं, ये जो चर्चा है ये कितनी सही है, क्या कोई अंदरूनी जानकारी, कोई अंदरूनी पार्टी का मंथन इस पे जारी है? भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर करती है बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ और बहुत ज्यादा मंथन के साथ और सर्वे के साथ हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। और जो ये फेक र्यूमर फैलाने वाले हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि जब तक किसी तरह का कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना आए, तो अगर वो अपने किसी भी माध्यम से ऐसी फेक न्यूज़ चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी इसका संज्ञान ले रहा है कि ऐसी फेक न्यूज़ क्यों चलाई जा रही हैं। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी की, मैं आपके माध्यम से ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कौन है जो डॉक्टर अशोक तंवर जी के पैरलर आ सकता है, कौन ऐसा है जो अशोक तंवर जी से ज्यादा मजबूत है? और जहां तक बात करें हम विपक्ष की, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आ जाए, इनमें आपस में इतनी गुटबाजियां हैं कि ये एक दूसरे को हराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, चाहे शैलजा आए चाहे कोई अन्य व्यक्ति आए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके साथ खड़ा होगा, जिनकी आपस में ही अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया कि उनका कैंडिडेट कौन होगा? कैंडिडेट छोड़िए, क्या उनका संगठन, जिला अध्यक्ष उनका है, मंडल अध्यक्ष उनका है, कल को अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो भी जाता है तो कैंडिडेट जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा कैंडिडेट, कहाँ से कंपेनिंग शुरू करेगा? और उसी दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जब से अशोक तंवर जी की घोषणा हुई है आपने उनका भव्य स्वागत देखा, कैसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश और उत्साह था कि इतने भव्य रोड शो के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उनके पैरलर आप कार्यक्रम देखिए, हमारी 9 की 9 विधानसभाओं में उनके भव्य आयोजन हमारे कार्यक्रमों के हुए, हमारे मोर्चों के लगातार आयोजन हो रहे हैं। और उसी तरीके से लगातार डॉक्टर अशोक तंवर जी ने अभी फतेहाबाद की 3 विधानसभा और एक हमारी टोहाना की विधानसभा, इसमें सभी में उन्होंने गांव के रूट हैं वो निकाल दिए हैं, दूसरा कैंडिडेट कहाँ है? मैम एक लगातार चर्चा ये भी चल रही है कि जो ये कैंडिडेट बदलने की बात आ रही है, इसमें ये है कि कांग्रेस जो है वो आगे मजबूत कैंडिडेट उतार रही है, मजबूत प्रत्याशी उतार रही है, तो उससे डर करके भाजपा कहीं हार ना जाए इसके लिए जो है वो प्रत्याशी बदलने की सोच रही है। कौन सा मजबूत कैंडिडेट है, आप नाम बताएं एक कैंडिडेट? सिरसा से कुमारी शैलजा की बात चल रही है, हिसार से जो है वो चंद्रमोहन बिश्नोई की बात चल रही है। अगर मैं सिरसा की बात करूं और शैलजा जी की बात करूं, तो शैलजा जी कितने सालों से सिरसा में नहीं है आप बताइए, पिछले 35 सालों में आज तक वो सिरसा में नहीं आई। अगर वो एक तरफ कहते हैं जी हमारा परिवार, तो परिवार को छोड़ के क्यों चले गए, उन्होंने कभी सिरसा को संभाला? और वहां डॉक्टर अशोक तंवर जी की बात कर लीजिए, वो पिछले जब से उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तब से लेके आज तक वो सिरसा के अंदर मौजूद हैं, एक दिन भी उन्होंने सिरसा को छोड़ा, एक दिन भी उन्होंने सिरसा की जनता को छोड़ के गए, चाहे उन्होंने किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन निरंतर चुनाव लड़े और सिरसा की जनता की सेवा के बीच में रहे। और दूसरी तरफ मजबूत, कौन सा मजबूत, कहां मजबूत? अगर शैलजा आती है तो मुझे एक सिरसा के एक व्यक्ति का नाम बताएं, एक उनके कांग्रेस के नेता का नाम बताएं जो उनके साथ लगेगा, सबके सब उनको हराने में लगेंगे। फतेहाबाद की बात कर लीजिए, तो फतेहाबाद में कौन सा एक भी कांग्रेस का एक व्यक्ति बताइए जो उनके साथ खड़ा होगा और उनके साथ कंपेनिंग के अंदर लगेगा? तो मजबूती कहाँ से मिलती है, मजबूती मिलती है संगठन से, और भाजपा का जो संगठन है वो आपको भी पता है और पूरे देश भर में इस बात का पूरा डंका है कि जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उतना मजबूत संगठन किसी का संगठन नहीं है। कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे चर्चा ये भी देखने को मिल रही है कि डॉक्टर अशोक तंवर पंजाबी बेल्ट के कई गाँव में गए, चाहे वो फतेहाबाद के हैं चाहे वो सिरसा के हैं, वहाँ पे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। किस विरोध की? ऐसा कोई विरोध नहीं है, वो किसान आंदोलन से संबंधित लोग हैं, उनका विरोध। इस विषय पर तो आपको भी ज्यादा बेहतर तरीके से पता है और मेरे को भी बेहतर तरीके से पता है भी कौन है, कहाँ है, क्या है, वो मुझे ज्यादा विषय बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आएगा तो मोदी और 400 पार जाएंगे। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कमिट कर रहा है तो इनके कैंडिडेटों का कहां स्टे रहेगा, मुझे तो कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। ठीक है।